उत्तर प्रदेश का मेरठ और मेरठ में शास्त्री नगर का इलाका। यहाँ के लोग हाल ही में पुलिस स्टेशन पहुँचते हैं और पुलिस स्टेशन में जाकर एक रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। वो पुलिस वालों से कहते हैं कि हमारी लोकेलिटी में कुछ दिनों से दो ऐसे शख्स रह रहे हैं जिनकी गतिविधियों पर हमें शक है। हमें लगता है कि आने वाले दिनों में वो कोई बड़ा कांड कर सकते हैं, इसलिए आप चलिए और चलकर देखिए। अब पुलिस को जब ये बात पता चलती है तो पुलिस उस जगह पहुँचती है जहाँ पर वो दो शख्स ठहरे हुए थे। पुलिस उनका दरवाज़ा खटखटाती है लेकिन अंदर से कोई गेट नहीं खोलता। पुलिस को इस बात पर शक हो जाता है और पुलिस दरवाज़ा तोड़ने लगती है। जैसे ही पुलिस दरवाज़ा तोड़ती है तो अंदर जो शख्स मौजूद थे वो खिड़की के ज़रिए भागना शुरू कर देते हैं। ऐसे में पुलिस वाले और उन दो शख्स के बीच में मुठभेड़ होती है और एक शख्स के पैर में गोली लग जाती है। फिलहाल किसी तरीके से पुलिस दोनों को पकड़ती है और अपने साथ लेकर पुलिस स्टेशन आ जाती है। अब पुलिस उन दोनों से जांच पड़ताल करती है, उनके बारे में पता लगाने की कोशिश करती है कि आखिर ये दोनों है कौन। तो पता चलता है कि ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट किलर हैं, ये दोनों शूटर्स हैं जिन्हें लोग हायर करते हैं और उनसे किसी न किसी का मर्डर करवा देते हैं। फिलहाल पुलिस को ये पता चल चुका था कि ये दोनों शूटर्स हैं। अब हम इस शूटर वाले केस को होल्ड पर रखते हैं और आपको बताते हैं कि मेरठ पुलिस जब ये शूटर्स का केस सॉल्व कर रही थी उसी दौरान वो एक केस और सॉल्व कर रही थी और वो केस था प्रदीप शर्मा का। 13 सितंबर का दिन था, सुबह 11:15 बज रहे थे। पुलिस चौकी से महज 500 मीटर की दूरी पर प्रदीप शर्मा नाम का शख्स बाइक पर बैठा हुआ था। उसकी उम्र थी 34 साल। तभी अचानक दो लोग आते हैं और उस पर ताबड़तोड़ गोलियों से अटैक करना शुरू कर देते हैं जिसके बाद उसकी मौत हो जाती है। पुलिस इस केस की भी जाँच कर रही थी। पुलिस को ऐसे में लगता है कि जो शूटर्स अभी हम पकड़ कर लाए हैं कहीं इन दोनों का लिंक प्रदीप शर्मा से तो नहीं है, जिसके बाद पुलिस उस बारे में पूछताछ करती है, कोशिश करती है ये बात निकालने की कि प्रदीप शर्मा और इन दो शूटर्स के बीच में कोई लिंक तो नहीं है। पुलिस उनसे इन्वेस्टिगेट करती है लेकिन वो दोनों कुछ नहीं बताते। पर एक समय ऐसा आता है जब दोनों शूटर्स पुलिस के सवालों में घिर जाते हैं, पूरी तरीके से टूट जाते हैं और पुलिस को एक ऐसी कहानी बताते हैं जिसके बाद पुलिस के होश उड़ जाते हैं। वो पूरी कहानी सुनने के बाद पुलिस को इस पूरी कहानी में एक ऐसी मास्टरमाइंड बीवी के बारे में पता चलता है जिसने बड़ी ही चालाकी से अपने पति का कत्ल करवा दिया और किसी को भनक भी नहीं लगी। सबसे पहले आप ये तस्वीर देखिए। ये तस्वीर है नीतू शर्मा की। इसकी उम्र है 34 साल। ये वही नीतू शर्मा है जो अपने पति के कत्ल की मास्टरमाइंड है। हम कत्ल कैसे हुआ, किस तरीके से नीतू ने कत्ल करवाया, क्या वजह रही होगी वो आपको बाद में बताएंगे, लेकिन उससे पहले नीतू और प्रदीप का जो बैकग्राउंड है वो आप जान लीजिए। नीतू शर्मा बागपत की रहने वाली थी लेकिन साल 2007 में इसकी शादी हुई राहुल शर्मा से जो कि मेरठ में रहता था। शादी के बाद इनकी लाइफस्टाइल काफ़ी अच्छी चल रही थी, घर में प्रॉपर्टी भी थी तो जीवन अच्छे से चल रहा था। लेकिन तभी साल 2016 में नवंबर का महीना था, जो इसका पति है नीतू का राहुल जो था उसकी मौत हो जाती है एक एक्सीडेंट में। अब हस्बैंड की मौत हो चुकी थी, नीतू घर पर अब अकेली थी। इसके बाद परिवार वाले सोचते हैं कि अब बहू अकेली है, कहीं ना कहीं तो उसे सर्वाइव करना ही है, अपना जीवन जीना है, तो क्यों ना इसकी शादी करवा दी जाए। ऐसे में नीतू कहती है कि उसे शादी करनी है लेकिन अपने देवर से। अब कोर्ट मैरिज होती है, यानी कि जो प्रदीप शर्मा है वो नीतू का देवर है। प्रदीप शर्मा से नीतू की कोर्ट मैरिज करवाई जाती है। ये दोनों अच्छे से अपनी लाइफस्टाइल जी रहे होते हैं एक घर में रहकर। इनके बच्चे भी होते हैं लेकिन कुछ समय पहले से नीतू के मुताबिक जो प्रदीप है उसका रवैया बदल गया था, उसका बिहेवियर चेंज हो गया था। वो नीतू को मारता पीटता था, उसे टॉर्चर करता था, कई तरीके से प्रताड़ित करता था। यहाँ तक कि नीतू का ये भी कहना है कि जो प्रदीप है वो उस पर शक करता था कि उसका किसी से अफेयर चल रहा है। नीतू के मुताबिक माने तो प्रदीप ने कुछ दिनों पहले एक ज़मीन बेची थी जिसका पैसा भी वो खुद ही ले गया, उसने नीतू को कुछ भी नहीं दिया। वो नीतू से इस चीज़ को लेकर उनका अक्सर झगड़ा होता, घर में विवाद होता, इसकी वजह से नीतू और प्रदीप अब दोनों अलग अलग रहने लगे। कई दिनों से नीतू काफ़ी परेशान थी। अब ये पूरी समस्या उसकी लाइफ में चल रही थी उसे लेकर वो अपने ममेरे भाई के पास गई, उसका नाम है दीपांशु। वो दीपांशु के पास गई और उसे बताई, अपनी पूरी कहानी बताई कि इस तरीके से मैं परेशान हूँ, मेरे हस्बैंड ने मुझे परेशान करके रखा है, वो मुझे मारता पीटता है, घर पर लेट आता है, दारू पीता है, पूरी मेरी ज़िंदगी उसने बर्बाद कर दी है। अब जब भाई को ये सारी बातें पता लगती है तो वो अपनी बहन से एक बात कहता है और वो सुनकर नीतू भी थोड़ी देर के लिए सकपका जाती है। वो अपनी बहन से कहता है कि क्यों ना हम जीजा जी को मार डालें। नीतू उस वक्त कुछ नहीं कहती, चुपचाप घर चली आती है। वो अपने भाई की इस बात पर हामी नहीं भरती। अब दो तीन दिन बीतते हैं तो नीतू सोचती है कि क्यों ना मैं प्रदीप को मरवा दूँ।
ये सोचने के बाद, ये फैसला करने के बाद नीतू अपने भाई को कॉल करती है और कहती है कि जो तुमने मुझसे कहा था कि हम प्रदीप को मार दें, मैं उसके लिए तैयार हूँ। तुम मुझे कुछ ऐसे लोग दो जिसके ज़रिए मैं प्रदीप की हत्या करवा सकूँ। जब दीपांशु यानी कि जो नीतू का ममेरा भाई था, उसे सारी बातें पता लगती है कि उसकी बहन राज़ी हो गई है, वो दो शूटर्स हायर करता है। याद रखिए, ये वही शूटर्स हैं जिन्हें पुलिस ने अभी अरेस्ट किया है। वो उन्हीं दो शूटर्स को हायर करता है और अपनी बहन से उनकी मीटिंग फिक्स कराता है। नीतू उनसे मिलती है और कहती है कि अब तुम्हें मेरे पति, उनको एक फ़ोटो दिखाती है कि ये मेरे पति हैं, इनका नाम है प्रदीप शर्मा, तुम्हें इन्हें मारना है। और ये पूरा सौदा तय होता है 1.5 लाख में। अब नीतू को ये तो पता था कि मुझे अपने पति को मरवाना है, लेकिन समस्या ये थी कि जो प्रदीप है वो घर में नहीं रहता था, वो नीतू को छोड़कर अलग रहता था। ऐसे में नीतू ने सोचा कि मुझे कुछ भी प्लान करके, कोई भी ड्रामा रच के, स्वांग करके मुझे पहले अपने पति को घर बुलाना होगा, जहाँ पर मैं आसानी से शूटर्स को बोल दूँ और ये मेरे पति को मार दूँ। उसी के मुताबिक नीतू प्लान बनाती है। वो मर्डर से एक रोज़ पहले जो एक शूटर था उसे घर में रखती है, कहती है कि तुम आज मेरे घर में ही सो जाओ, और दूसरे वाले शूटर को सुबह आने के लिए कहती है। वो ये कहती है कि जब मेरा पति आने वाला, उससे पहले तुम लोग आना, मैं तुम्हें सारा सामान वगैरह दे दूँगी, तुम्हें चीज़ें बता दूँगी, कहाँ जाकर तुम्हें किस तरीके से मारना है, कहाँ छुपना है, सब बता दूँगी, तो इस तरीके से तुम मेरे घर आ जाना। सारी शूटर्स के साथ वो प्लानिंग सारी कर लेती है। उसके बाद वो अपने हस्बैंड को कॉल करती है और अपने हस्बैंड से पहले बहुत प्यार से बात करती है कि जो भी हो गया ठीक है, अब हम दोनों साथ रह सकते हैं, लेकिन एक शर्त अपने हस्बैंड के सामने रख देती है। वो कहती है कि जो अभी तुमने ज़मीन बेची है, उसमें से जो 5-5 लाख रुपए हैं, उसमें तुम जो हमारे दो बच्चे हैं उनके नाम 5-5 लाख की FD कर दो। अब प्रदीप सोचता है कि ठीक है, बच्चों की बात है तो इतना तो कर सकता हूँ, और साथ ही फिर हम लोग सब फैमिली की तरह मिलकर रहेंगे। प्रदीप राज़ी हो जाता है और कहता है ठीक है, मैं कल सुबह आता हूँ। अब जो टाइम प्रदीप बताता है कि मैं इस टाइम आऊँगा, वो जो नीतू है वो शूटर से कहती है कि तुम इससे पहले मेरे घर आना। एक शूटर तो उसके घर ही सो रहा था और एक प्रदीप के आने से पहले आता है। खैर, जो वो दिन आ जाता है यानी कि 13 सितंबर आ जाती है, जिस दिन उसने सोचा था कि आज मुझे मेरे पति को मरवाना है। एक रात पहले शूटर उसके घर सो रहा था, एक शूटर दिन में आता है, वो दोनों को नाश्ता कराती है, साथ ही उनको एक पिस्टल भी देती है और उन दोनों से साफ साफ कहती है कि आज किसी भी हाल में प्रदीप बचना नहीं चाहिए। शूटर्स को जिस तरीके से ये वार्निंग दे दी जाती है, शूटर्स को बोलती है कि मंदिर, ये मंदिर है, यहाँ पर अक्सर प्रदीप आता है, घर के पास ही मंदिर है, तुम लोग जाकर यहाँ पर छुप जाओ, जैसे ही प्रदीप आएगा तुम्हें समझ में आ जाएगा, मैं गेट खोलूँगी और तुम लोग देख लेना और सीधे उसे मार देना, वो बचना नहीं चाहिए। प्लान के मुताबिक प्रदीप आता भी है, प्रदीप बेल बजाता है तो नीतू गेट खोलती है और बोलती है कि मैं थोड़ा सा कुछ रह गया है, मैं रेडी होकर आती हूँ, तुम अपनी बाइक रोड पर निकालो, बस मैं तुरंत आ गई। प्रदीप क्योंकि उन लोग को बैंक जाना था, FD करानी थी, तो प्रदीप सोचता है ठीक है, प्रदीप अपनी जो बाइक है उसे लेकर रोड की तरफ आगे बढ़ता है, नीतू अंदर चली जाती है। जैसे ही प्रदीप रोड की तरफ बढ़ता है, मंदिर के पास वो दोनों शूटर्स छिपे थे, वो एकदम से भागते हुए आते हैं और प्रदीप पर गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। आसपास के लोग देखते हैं, लेकिन तब तक प्रदीप की हालत बहुत ख़राब हो चुकी होती है। शूटर्स वहाँ से भाग जाते हैं और जो प्रदीप है उसे लेकर लोग, और नीतू भी बाहर आती है, उसे लेकर हॉस्पिटल जाते हैं, जहाँ पर डॉक्टर बता देते हैं कि प्रदीप मर चुका है। ये एक केस था, पूरा ये वाक्या इस तरीके से, पूरा ये घटनाक्रम होता है। लेकिन इस पूरे मामले के बाद जब प्रदीप के पिता को पता चलता है कि मेरे बेटे पर इस तरीके से गोलियां चलवाई गई हैं, तो वो ये आरोप मढ़ते हैं अपनी ही बहू यानी नीतू पर। वो पुलिस को कहते हैं कि मेरे बेटे को मरवाने वाली कोई और नहीं बल्कि मेरी बहू ही है। पुलिस जब पहले इस मामले की जांच कर रही थी, तो उन्हें एक तरीके से ये सिग्नल मिल गया था, या उसके पिता ने, जो प्रदीप के पिता थे, उन्होंने आरोप लगा दिए थे, तो उस आधार पर पुलिस उसकी बहू से यानी कि नीतू से पूछताछ भी करती है। लेकिन पहले पुलिस को एक तरीके से पुख्ता जानकारी नहीं मिलती, कोई सबूत नहीं मिलते जिसके आधार पर वो नीतू पर शक कर सकें। लेकिन जब हाल ही में पुलिस ने इन दो शूटर्स को अरेस्ट किया, इनके ज़रिए जब नीतू का नाम सामने आया, तो पुलिस का माथा ठनका। पुलिस को लगा कि कहीं ना कहीं जो ससुर जी थे, यानी कि जो नीतू के ससुर और प्रदीप के पिता थे, इस केस में जो उन्होंने बातें कही थी कि मेरी बहू ने प्रदीप को मरवाया है, वो कहीं ना कहीं सही थी। अब शूटर्स की बातें भी सुन ली, उनके ज़रिए भी पुलिस के सामने कहानी आ गई, और ससुर यानी कि जो नीतू के ससुर थे, उन्होंने भी एक कहानी बताई थी कि मेरे बेटे को मरवाने वाले सिर्फ नीतू ही है। तो पुलिस के सामने नीतू को लेकर दो बयान सामने आ चुके थे। अब पुलिस नीतू को पुलिस स्टेशन बुलाती है और उससे पूछताछ शुरू करती है। पुलिस इसको बहुत चलाने की, एक तरीके से पुलिस का दिमाग घुमाने की नीतू भरपूर कोशिश करती है। वो पूरी तरीके से ट्राई करती है किसी भी तरीके से उसकी पोल पट्टी ना खुले, लेकिन पुलिस तो पुलिस है, पुलिस हर तरीके से आड़े टेढ़े सवाल जवाब करती है, तो नीतू टूट जाती है और पुलिस को पूरा सच बता देती है। वो कबूल कर लेती है कि उसने ही अपने पति प्रदीप की हत्या करने की साजिश रची, और उसमें उसका ममेरा भाई दीपांशु भी शामिल है।
वो पुलिस से कहती है कि मैं एक तरीके से तंग आ गई थी, जो मेरा हस्बैंड था, जो प्रदीप था, वो मुझे रोज़ टॉर्चर करता था, घर पर लेट आता था, कभी दारू पीकर आता था, मुझे वो रोज़ मारता पीटता था। इसके अलावा जो भी प्रॉपर्टी है वो मुझे पैसों के बारे में कोई जानकारी नहीं देता था। उसने हाल ही में घर एक गांव की ज़मीन बेच दी, जिसमें से उसने एक फूटी पैर मतलब एक रुपया भी मुझे उसने नहीं दिया। उसके अलावा जिस घर में मैं अभी रह रही हूँ वो भी प्रदीप बेचने वाला था, और मुझे पता था कि उस पैसे का भी मुझे कुछ नहीं मिलता। मेरे दोनों बच्चों के फ्यूचर का भी सवाल था। प्रदीप किसी भी चीज़ को लेकर राज़ी नहीं था, वो मेरे साथ ढंग से व्यवहार नहीं करता था। ऐसे में जो नीतू है उसने एक बात और कही, उसने पुलिस से कहा ऐसी ज़िंदगी जीने से अच्छा था कि मैं अब विधवा ही हो जाऊं। उसने बोला कि इस तरीके की जो प्रताड़ित वाली लाइफ है, एक तरीके से मैं बर्बाद ज़िंदगी जी रही हूं, उससे अच्छा है कि मैं विधवा होकर जी लूं। उसने ये सारी बातें खुद कबूल की, जिसके बाद पुलिस ने पूरे केस को फिर से सिरे से जोड़ा और दोनों शूटर्स नीतू और नीतू का जो ममेरा भाई है, जिसने एक तरीके से नीतू के दिमाग में बात डाली, उन सबको अरेस्ट कर लिया और अब आगे की कार्रवाई की जा रही है।